प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के बाद निर्मल और अविरल गंगा के लिए अब एक और स्वामी आत्मबोधानंद मौत के मुहाने पर पहुंच गए हैं। उनकी भूख हड़ताल गंगोत्री के पास मैत्री सदन में 123 दिन से चल रही है। देश के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर जमा होकर मोदी सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे ने इनमें से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की, देखिए ये रिपोर्ट। आत्मबोधानंद जी संघर्ष करो, सरकार वालों चुप्पी तोड़ो, गंगा पर कभी बात करो। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने 111 दिन तक उन्होंने अनशन किया था, हंगर फास्ट था, जिसके बाद उनका देहांत हुआ। अब जो है एक और स्वामी जो है मैत्री सदन में 123 दिन से वो जो है हंगर फास्ट पे हैं, और इन सब का कहना है गंगा के जो विशेषज्ञ हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो लोग चाहते हैं गंगा को बचाया जाए, उनका कहना है कि अब भी जो है काफ़ी वायदे जो किए गए थे उन्हें नहीं निभाया है। केंद्र में आए हैं, उनका कहना है कि ये उनका प्रोटेस्ट है, जो अब वो कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दल, सरकार और अन्य राजनीतिक दल इन मुद्दों को उठाएं और वाकई ही गंगा को बचाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उठाएं। हमने कुछ लोगों से यहाँ बात की। गंगा क्या इशू नहीं है या सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं? देखिए, इस देश को ज़रा दुख होता है ये कहते हुए कि गंगा की पवित्रता, अविरलता और निर्मलता की चिंता थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि जब झूठ का डर फैला दिया जाता है देश में तो फिर झूठ और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। वैसे फिर में कोई गंगा की पवित्रता की चिंता, अविरलता की चिंता नहीं रहती। सरकार का दावा है काफ़ी चीज़ें की हैं, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। गंगा वैसे और ज़्यादा वैसी की वैसी है। आपको वैसे यहाँ उम्मीद थी कि लोग ज़्यादा आते, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए थी यहाँ पर? बिल्कुल उम्मीद थी, ज़्यादा आने की उम्मीद थी, लेकिन लोग उतने नहीं आए। पर्यावरण के प्रति चुनाव आने वाले हैं, आपको लगता है इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा राजनीतिक पार्टियों? ना पर्यावरण के लिए दिया जा रहा है ध्यान, ना गंगा के लिए, ना नदियों के लिए। इस वक्त केवल केवल कैसे 2019 का चुनाव जीता जा सकता है झूठ से, डर से, लोगों को भयभीत करके, कैसे हम ये कर सकते हैं? सरकार इसी में लगी है। लोग दूर दराज से आए हैं तो पूरे देश भर से यहाँ भीड़ लाना संभव नहीं था, समय का भी अभाव है, लेकिन लोगों की स्पिरिट जो यहाँ जितने भी यहाँ लोग आए हैं बहुत गंभीर हैं गंगा के लिए, पर्यावरण के लिए। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हमारे एक युवा संत गंगा के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे। सरकार 100 दिन से भी ज़्यादा हो गए, उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है, ये एक अपने आप में बहुत ही अजीब बात है। सरकार को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और गंगा को, फ्री गंगा का जो सपना है संतों का, इस देश के नागरिकों का, उस पर पहल करनी चाहिए। ये बात तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रही है कि ये जो सरकार आई है सत्ता में हिंदुत्व के नाम पे, और मोदी साहब ने तो बनारस में जाके बोला कि माँ गंगा ने बुलाया है, और गंगा से कम 40% आबादी देश की जो है उसको, उसका सीधा संपर्क है यदि गंगा के किनारे रहने वाले और गंगा की सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को ले लें। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर, जिससे पता नहीं किसको फ़ायदा होने वाला है, या शबरीमाला में मंदिरों में औरतों को ना जाने दिया जाए, ये इतने बड़े मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं बनता। ये हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ सैनिक मरते हैं तो पूरे देश में आक्रोश दिखाई पड़ता है, जो समझा जा सकता है, लेकिन साधु गंगा को लेके एक एक करके अनशन कर रहे हैं और मर रहे हैं, और उसमें भी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक, जो स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाने जाते थे, 112 दिन अनशन करके नरेंद्र मोदी जी को 4 चिट्ठियां लिखी, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया, उनकी बात सुनी तक नहीं गई और वो उनका देहांत हो गया। ये बहुत दुख की बात है और बहुत चिंता की भी बात है कि आम जनता इन मुद्दों पे बिल्कुल भी उद्वेलित नहीं हो रही है, और सरकार तो पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है।